हेलो दोस्तों, घेवर राजस्थान की फेमस मिठाइयों में से एक है और गड़गौर पे तो घेवर की डिमांड दुगनी हो जाती है। तो आज हम आ गए हैं घी वालों का रास्ता और यहाँ पर हम विजिट करेंगे यादव दूध भंडार को, जो हमें घेवर बनाकर दिखाएंगे। आपका नाम क्या अंकल? राम जी लाल। राम विलास। राम विलास। राम विलास मीणा। आपका क्या है? सीताराम बजावत। देसी घी में क्या अंकल? क्या होता है ये? नहीं नहीं, घेवर तो ये डाल रहे हो जो इसके अंदर। मैदा। मैदा पनीर। पनीर भी है। गड़गौर पे तो डबल हो जाता होगा आपका काम, है ना? गड़गौर पे डबल डबल हो जाता है। तीज पे आप कितने साल से बना रहे हो? कितने साल से बना रहे हो? और 45 साल हो गए। तो आप दोनों ही साथ मनाते हो? मैंने कहा किराएदार जो कोई खराब है, मतलब बोल दिया। सास नहीं है ना सर? जी ये डाल के इनको, ये डाल रहे हैं। हो गया अंकल तैयार? तो देखिए दोस्तों, ये तैयार हो गया है। अभी ये फीका घेवर है, तो अभी ये चाशनी में डुबाएंगे इसको। ये भैया देखिए चाशनी तैयार कर रहे हैं, घेवर की चाशनी तैयार कर रहे हो आप, है ना? अभी एक घेवर जा रहा है चाशनी में। गरम करोगे भैया आप, है ना? गरम कर लिया। कर लिया क्या? ये देखिए चाशनी आ गई इसके ऊपर। देखिए उनके पास छोटे साइज के भी घेवर है। छोटे वाले ज्यादा चलते हैं, बड़े वाले? छोटे वाले। रबड़ी है ना? हाँ रबड़ी। देखिए दोस्तों, ये घेवर के ऊपर लग रही है रबड़ी। ये क्या डाला आपने? बादाम। बादाम। ये देखिए दोस्तों, पिस्ता आ गया इसमें। ये देखिए एक घेवर है, उसका वजन है 742। एक घेवर अब 420 का बड़ा है भैया, है ना? देखिए अब मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है, पूरा घी का टेस्ट आ रहा है और ऊपर से रबड़ी, अच्छा टेस्ट है इसका। तो दोस्तों देखिए, ये है यादव दूध भंडार। आपने देखी इसकी मेकिंग, अंकल देखिए बना रहे हैं दोबारा से। अगर आपको लेना हो तो इसका एड्रेस है घी वालों का रास्ता। तो बाकी मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।